गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 और अभी हम वापस होटल में आ चुके हैं। कल रात को हम यहाँ पे पहुँचे थे रात को लगभग 1 बजे, और हमारे साथ हम लोग यहाँ पे 6 लोग वापस आए, और हमारे जो 4 लोग थे वो अभी ऊपर ही स्टे किया था उन लोगों ने। ऊपर चढ़ाई में काफ़ी तेज तेज जाने में हमें फ़ायदा मिला कि हमने वहाँ पे केदारनाथ जी की आरती लाइव देखी, और उसके बाद जिसका पार्ट बंद हो गए थे तो हमारे 4 जो फ्रेंड थे वो थोड़ा लेट पहुँचे थे, इसलिए उन्होंने केदारनाथ में ही स्टे किया कल रात को। सो आज है 4th ऑफ अक्टूबर और अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 o'clock, और हम बाकी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं। हमारे सुबह मॉर्निंग में बात हुई है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का उन्होंने जो ये रास्ता है वो कवर कर लिया है, तो ऑलमोस्ट उनको अभी कवर करने में 2 या 4 घंटे लगेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 बजे के बीच वो यहाँ तक, उसके बाद 1 घंटे वहाँ स्टे करने के बाद हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि यहाँ से चेकआउट करें और रुद्रप्रयाग आगे श्रीनगर तक, तो रास्ता बहुत ख़राब है बीच में, तो हम आज डे में ही उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा रूम है, यहाँ पर उन्होंने एक डबल बेड है दिया हुआ है, और बेडिंग है कुछ नहीं, काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एंड इसके अंदर मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ, दिस इज जीवीएन लाइटिंग, बाहर आपके बालकनी, टीवी रूम्स, काफ़ी सब वाला सामान हमने अभी यहीं रखा हुआ है हमने, कि अब जाते हुए इसको पैक करेंगे। वॉशरूम काफ़ी क्लीन, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे गीज़र वगैरह मिल रहे हैं आपको, गर्म पानी की पूरी फैसिलिटी वगैरह दी हुई है यहाँ पे लोगों ने, फैंस वगैरह की खैर यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है, तो बिट इट्स ए गुड प्लेस। या सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:10 और हम अभी हमारे बाकी सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी आगे हमने एक होटल बुक कराया है श्रीनगर में, तो यहाँ से हार्डली 103 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से गौरीकुंड से लेकर और आपको श्रीनगर के बीच में बहुत ज़्यादा आपका रूट बहुत ख़राब है, और क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हम चाह रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी उसको हम क्रॉस करें। बाकी हमारे सारे राइडर्स बच जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको एक साइन अप करूँ यहाँ से। सो हम यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे हमारा टोटल बिल खाना सब कुछ सब मिला के आया है अराउंड 21,500, सो 2,500 पर हेड फॉर 2 डेज। सो आज हमारा बिल्कुल ये चांस ये है कि हम रात को वहीं पे स्टे करेंगे श्रीनगर में, और अर्ली मॉर्निंग हम 5th को अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे फॉर दिल्ली, ताकि हमारा कुछ 100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट जो रास्ता है वो हमारा कवर्ड हो। सो गाइस, चलिए आज का सफ़र यहीं से स्टार्ट करते हैं, और आपको बीच में नज़ारे दिखाऊंगा। मौसम अच्छा है और कोई बारिश का प्रेडिक्शन नहीं है, और हमें बारिश मिली भी नहीं है। Day 4 फर्स्ट पंचर, अमीसूरी जी भैया, कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है, बीरी। सो गाइस, अभी टाइम हुआ है 8:30 और अभी हम पहुंचे हैं, जगह का नाम है भीरी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी जो पीछे मैंने बात करी थी, जो पीछे का इतना भी ख़राब स्ट्रेस था वो हमने अभी कवर किया है, और श्रीनगर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और होगा। एंड अभी सोचा है कुछ चाय वगैरह पी ली जाए, फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर रात काफ़ी हो गई है, रात को फिर ड्राइव करना ज़्यादा सेफ नहीं माना जाएगा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स Day 5 5th of October 2020। सो अभी हमने नाइट में यहाँ पे स्टे किया था, एक होटल है यहाँ पे श्रीनगर में, एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फॉर दिल्ली,
यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ का हम रास्ता जो हमें आज कवर करना है वो है आपका 322 किलोमीटर आई थिंक। हमारे सारे राइडर ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक कंडीशन में लग रहे हैं और खैर बाइक चलाने में तो मज़ा आता ही है। और ब्रेकफास्ट वगैरह हम रास्ते में ही देखेंगे। और अभी यहाँ पे हमें बीच में एक होटल मिल गया था, कॉस्ट थी इसकी 600 रुपीज़ पर रूम। आज का जो हम रास्ता हम कवर करेंगे यहाँ से हमारा टारगेट है, अभी यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और अभी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आगे चल के 10-15 किलोमीटर चल के थोड़ा ब्रेकफास्ट किया जाए और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ट्रैफिक अगर बढ़ेगा तो हमें ही दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस 10:30 और हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। धन्य भाई ऑलरेडी डन। अमित भाई चले स्टार्ट। तो भाई साहब मज़ा आ गया वाकई में, बोटिंग करके मज़ा आ गया। 15 मिनट और 500 रुपीज़ पर हेड ये चार्जेस हैं इसके, लेकिन वर्थ है। आप आगे एक बार आइए और ज़रूर कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि आप बोटिंग कर सकें। यहाँ पे टाइम निकालिए फैमिली के साथ और दिल्ली से और आसपास एरिया से मेरठ मुजफ्फरनगर से बहुत पास में ही है जगह। सो सारी थकान जो सुबह से अभी तक हमें हो रखी थी बाइक ड्राइव करके, अब एकदम ठीक है। अब हम आगे निकलते हैं, हमारा अगला है, कोशिश करेंगे कि हरिद्वार तक पहुँचे जल्दी से जल्दी, ताकि रात होने से पहले हरिद्वार निकलें और ये हिल्स एरिया ख़त्म हो। शर्मा जी की टी स्टॉल तो यही मिलेगी अब, कुल्हड़ वाली चाय। सो गाइस अभी बज रहे हैं 7 और हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। राय साहब यस, कैसा लग रहा है पहुँच के? वेरी टायर्ड। रास्ता कैसा था? रास्ता हो यूपी सरकार जिंदाबाद। हाँ, तो टिहरी डैम है, टिहरी डैम से अभी तक हरिद्वार का रास्ता लगभग कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है।
और बीच बीच में थोड़े से पैचेस हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। अमित जी, हाँ जी, कैसे लगी रास्ता आपको? सेक्सी सेक्सी लगे रास्ता आपको? मजा आया चलाने में? मजा आया चलाने। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे रुकेंगे हरिद्वार में हम लोग एक घंटा रुकेंगे अभी हरिद्वार के अंदर, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो लगभग टाइम होगा 8। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 7:45 और हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे नहीं दिखा पाऊँगा इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे रात हो चुकी है और ये VIP घाट है यहाँ पर। आप कभी भी हरिद्वार आइए, इतना सुंदर नज़ारा, अलग ही फीलिंग आती है यहाँ के, एकदम शांति। और लॉकडाउन के बाद तो हम मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ। फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच गए घर और अभी बज रहे हैं सुबह के 3। आज है 6th ऑफ अक्टूबर और रास्ते में काफ़ी काम कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, डाइवर्जन बहुत सारे थे, तो रोड कंडीशंस को देखते हुए थोड़ा सा डिले हुआ है। प्रेडिक्शन था हमारा कि हम लगभग 12 या 1 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, लेकिन 1 घंटे या 2 घंटे लेट है अभी हम यहाँ पहुँचने में। बट सबसे अच्छी बात कि जितने भी हमारे राइडर्स थे वो सारे सेफ अपने घर पर पहुँच चुके हैं। सो अंत भला तो सब भला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।